जय हिंद दोस्तों। जैसा कि ट्रंप साहब की पॉलिसी रही है अमेरिका फर्स्ट की, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे अमेरिका का प्रॉफिट देखते थे, उसके बाद किसी अन्य कंट्रीज का प्रॉफिट देखते थे। तो खैर, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कंट्री पहले अपना प्रॉफिट ही देखती है। लेकिन उन्होंने इसकी जो हद है वो सबसे ज़्यादा पार तब कर दी जब जून 2020 में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस थे, कोरोना केसेस सबसे पीक पे थे यूएसए में। और ऐसे टाइम पे, ऐसे बुरे वक्त में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सिटीजन्स के बारे में सोचा, जो फॉरेन इमिग्रेंट्स आए थे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो उन्होंने ऐसे में एक कानून ला दिया जिसमें उन्होंने क्या किया, जो एच वन बी वीज़ा है उस अकाउंट को कम कर दिया, ताकि जो फॉरेन इमिग्रेंट्स हैं, जो आके बाहर से आके उनके देश में काम कर रहे हैं, उनको कम से कम कर दिया जाए, ताकि अमेरिका के सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके। मैं ही सब कुछ तू कुछ नहीं, यही सोच हमको इंसान नहीं बन देती। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी पर अगर कोई भी इंसान अगर सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसको इंसान कहलाने का कोई भी हक नहीं है, फिर वो चाहे इंसान हो चाहे वो कोई देश की गवर्नमेंट हो। तो यही साथ ट्रंप साहब के साथ ये उल्टा हो गया। वो उल्टा इसलिए हो क्योंकि जो 47 मिलियन पॉपुलेशन है यूएसए की, वो इमिग्रेंट्स की है। यानी पूरे यूएसए का पॉपुलेशन मिलाया जाए तो 15% जो पॉपुलेशन है पूरे यूएसए का, वो अकेले इमिग्रेंट्स की है। तो ये इमिग्रेंट्स ऑटोमेटिकली जो फेवर है वो उनके फेवर में चला गया डेमोक्रेटिक पार्टी के। और ये ट्रंप साहब ये भूल गए थे कुछ ही महीने में इलेक्शन आने वाले हैं, और जो इमिग्रेंट्स का जो वोट बैंक है वो सारा उन्होंने एक तरह से गिफ्ट कर दिया जो साहब को। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पासपोर्ट क्या होता है, ये वीज़ा क्या होता है, और ये H1B वीज़ा क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की। देखिए, पासपोर्ट सिर्फ आपकी ये ऐसी पहचान दिखाता है जो कि आप ये दिखाता है कि आपने अपनी कंट्री में किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पासपोर्ट भी आप जब बनवाने जाते हो ना, तो वो पूरा देखते हैं, अच्छे से मिलाते हैं A to Z कि आपने कहीं आपका कोई थाने में या आपका कोई पुलिस थाने में या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। सब कुछ एकदम अच्छे से वेरीफाई करते हैं, आपका A, B, 10, 12 सब जो मार्कशीट वगैरह होता है बहुत ही टाइटली कई लेवल पर जाँच होती है, उसके बाद जाके आपका पासपोर्ट बनता है। ऐसे नहीं बनता कि ऐसे फोटो खींच लिया और एक वोटर आई डी कार्ड दिखा दिया बस आपका बन गया। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि पासपोर्ट ही आपका एक ऐसा प्रूफ होता है कि आपने किसी भी तरह क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है। ठीक है, अब बहुत केस होते हैं, ऐसे आपने पासपोर्ट मान लो बनवा लिया, 5 साल पहले आपने पासपोर्ट बना के रख लिया, उस समय आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अभी प्रेजेंट में आप किसी घर चोरी कर लिए और आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ गया, पासपोर्ट आपका पहले का बना हुआ है। अब आप जाओगे तुरंत देश छोड़ के, तो आपका वहीं पे पासपोर्ट का जो नंबर है ना, वो सबसे पहले वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप पासपोर्ट दिखाओगे, ले भैया हमको जाना है, हमारा पासपोर्ट बना हुआ है, तो पासपोर्ट जैसे ही लेगा, पासपोर्ट का नंबर अपने कंप्यूटर में डालेगा, वैसे ही वहाँ पे कैंसिल दिखा देगा, मतलब वो पासपोर्ट जो है आपका ब्लॉक हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो बोल देगा, अच्छा चोरी किया बेटा, माँ ससुर। तो फिर वही तो है, आपका जो पासपोर्ट है फिर आप कहीं बाहर दूसरे देश में जा नहीं पाओगे। तो पासपोर्ट सिर्फ आपकी ऐसी पहचान है जो ये बताता है कि मतलब आप अपने देश में एकदम क्लीन चिट हो, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो जैसे आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो पासपोर्ट लियाओगे तो समझ जाएगा कि हाँ भाई, इसने कोई अपने कंट्री में इसके ऊपर कोई भी केस वगैरह दर्ज नहीं है। अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा एक तरह का होता है परमिट। आप किसी भी देश में अगर जा रहे हो तो वहाँ पर रहने का, वहाँ की धरती को यूज़ करने का आपको एक परमिट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, उसी परमिट को हम लोग कहते हैं वीज़ा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्ज़ाम देने आते हो 3 घंटे के लिए, तो कोई एग्ज़ाम देने गए, सरकारी एग्ज़ाम या जो भी देने गए, तो वो एक एडमिट कार्ड बना के देता है। तो वो जो एडमिट कार्ड होता है वो एक तरह का लाइसेंस होता है 3 घंटे बैठने का। भले ही 3 घंटे बैठ के उसमें शाहरुख खान की ऑटोबायोग्राफी लिख दो, चाहे कुछ भी करो, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि 3 घंटे आपको वहाँ से निकाल दे, वहाँ से हटा दे या भगा दे, क्योंकि 3 घंटे तक आपके पास वैलिड लाइसेंस है। 3 घंटा जैसे ही खत्म होगा आपका वो एडमिट कार्ड बेकार हो जाएगा, लाइसेंस फेल हो जाएगा, आपको निकाल के सब धक्का मार के निकाल देंगे। ठीक है, तो ये होता है एक एडमिट कार्ड। तो वैसे वीज़ा भी होता है, वीज़ा अब आप कई तरह का बनता है। ऐसे टूरिस्ट वीज़ा होता है। टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, मान लो आपने 7 दिन के लिए अप्लाई किया कि हम बस 7 दिन जाएंगे, 7 दिन में घूम घाम के आ जाएंगे, तो दिन के हिसाब से वो 7 दिन का आपको बना के दे देगा। जहाँ 8वां दिन हुआ वहाँ पे आपका सब जब्त कर लेंगे पासपोर्ट, फिर आपको वीज़ा को एक्सटेंड करना पड़ेगा या जो भी पॉलिसी करनी पड़ेगी। अब ये टूरिस्ट होता है। ऑन अराइवल वीज़ा होता है। ऑन अराइवल वीज़ा भी आजकल बनने लगा है, मतलब जैसे क्या हुआ, आप यहाँ से सीधा जापान पहुँच गए, अब जापान से बाहर आप घूमने उमने जा रहे हो, तो वहाँ पे जापान वाले देखेंगे भैया इंडिया से हमारी अच्छी दोस्ती है, तो वो वहाँ पे ऑन टाइम मतलब तुरंत के तुरंत वहाँ जापान में वीज़ा बना देगा। ठीक है, आपका बना के आप फिर वहाँ पे घूम सकते हो। तो ये ऑन टाइम हो गया। वर्क परमिट हो गया, जैसे मान लो आप यहाँ से US में जा रहे हो या कहीं भी कंट्री में जा रहे हो किसी काम के पर्पज़ से, जैसे कल को किसी को जॉब लग गई सऊदी अरेबिया में,
तो सऊदी अरेबिया वाला एक वर्क परमिट आपका वीजा, वर्क वीजा बना के देगा कि भैया ये हमारे देश में काम करने के लिए आ रहा है, इतने टाइम के लिए आ रहा है, तो आपका प्रॉपर वीजा वीजा बना के देगा, ठीक है। तो उस वीजा के तहत आप वर्क वीजा उसको कहते हैं, उसके तहत आप उस कंट्री में जाके काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीजाज होते हैं। अब ये H1B वीजा क्या होता है? देखिए जो US है ना, US H1B वीजा ये कर लेता है उन लोगों से जिनके पास बैचलर डिग्री होती है या फिर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के होते हैं, मतलब जो बैचलर डिग्री के होते हैं। ऐसा नहीं आलू प्याज बेचने वाले को H1B वीजा लेना पड़ेगा, ये उनके लिए जो टेक्निकल फील्ड्स हैं, जैसे कि BTech हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हुए, जिनके पास बैचलर डिग्री है या फिर उसके इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है, तो इसका जो वीज़ा होता है ये 3 साल का बनता है और ये कभी कभी एक्सटेंड होकर 6 साल तक इसको कर सकते हैं हम लोग। और 6 साल जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है, इस वीज़ा को। इसको कहते हैं H1B वीज़ा। तो बेसिकली वीज़ा तो नॉर्मल होता है, हमको किसी देश में रुक के काम करने का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, और H1B वीज़ा टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हुए और जिनका मतलब बैचलर डिग्री हुआ या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। तो ये होता है H1B वीज़ा। ऐसे ही हमारे मोहल्ले में एक बिहारी चाचा थे, जब भी उनसे मिलो ना, उनसे पूछो कि चाचा कैसे हैं, तो जब तुरंत बोलते थे अरे हमारा लड़का कल ही 1,00,000 रुपये भेजा US से। हाँ, इसे खूब गिन रहे हैं, हमारे हथवे दर्द हो रहा है, इतना गिनते गिनते परेशान हो गए। अभी 1 हफ्ता पहले 2,00,000 भेजा था USA से। तो मतलब वाह बढ़िया है, लेकिन करता क्या है? तो वो बोले कि बड़ा आदमी है, अब बड़का कोई इंजीनियर है। मैंने कहा भाई इंजीनियर तो पढ़ा नहीं था, वो तो बाद ही पास था। तो बाद में दोस्तों से मालूम, इधर उधर से मालूम पड़ा कि वहाँ पे बिहार का लिट्टी चोखा बेच रहा है और अमेरिका वालों को चोखा बेच बेच के खूब अच्छा इनकम कमा रहा है। चलिए बढ़िया ही है, एक तरह से इंडिया की GDP बढ़ रही है। लेकिन अब आप बताइए, क्या वो H1B वीज़ा लिया होगा उसने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने बैचलर डिग्री नहीं की या टेक्निकल फील्ड से नहीं था, तो उसको H1B वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, उसको वीज़ा चाहिए होगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जैसे बैचलर डिग्री के हैं या इक्विवेलेंट 3 इयर्स एक्सपीरियंस है उनको, तो वो जब जाएंगे वहाँ पे तो उनको H1B वीज़ा चाहिए होगा वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये था H1B वीज़ा और पासपोर्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।